नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए मैं आज के लाइव ट्रेडिंग के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने ट्रेड लिया हुआ है। एक्चुअली ये ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है। इसको लेने के लिए आपको मिनिमम आपके पास 5 से 6 लाख का अमाउंट होना ज़रूरी है। तो आप MTM का मज़ा लीजिए। जैसे देख पा रहे हो 400-500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं आज का ट्रेड आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देख सकते हो आप 500-600 का प्रॉफिट दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो जो भी आप ट्रेड करते हो तो आपका माइंडसेट पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आपको बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। ओके, अगर आप बाय साइड जा रहे हो और मार्केट का रिएक्शन देख के अगर आप सेल कर रहे हो तो आप सेलिंग के लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन एज पर मार्केट कंडीशन आप सेलिंग के लिए तैयार हो रहे हो तो आप में उसका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैं इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ कि मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही अपना जो भी बाय साइड हो या सेल साइड हो ये फिक्स करके रखो दोस्तों कि आपको क्या करना है, मतलब आपको बाय करना है सेल करना है। मार्केट ओपन होने के बाद अब अगर आप डिसाइड करने जाओगे कि बाय साइड हो या सेल साइड हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरा मतलब वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि लॉजिक क्या होता है, बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपके पास कौन से लॉजिक होना ज़रूरी है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे हमने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। लगभग 19,000 के आसपास हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। स्क्रीन पे तो 2,500 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन मेरे एज पर रिस्क और रिवॉर्ड रेशो से मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हो। तो चलिए बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैं पहले आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ और बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को ज़रूर ठीक से देखिए। ओके दोस्तों, तो कल क्या हुआ था, मैं जानबूझ के कल से स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा अपने पिछले लेवल्स याद रखता है दोस्तों। तो देख सकते हो कल मार्केट ओपन होने के बाद लगभग 11:30 तक एक ही रेंज में बना रहा, देख सकते हो, लगभग 22350 से लेके 22430, मतलब लगभग 100-150 पॉइंट के रेंज में बना रहा। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ आया मार्केट में कुछ तो, और उसके कारण मार्केट सीधा, देख सकते हो, सीधा ये 200-300 पॉइंट गिर गया। लेकिन ये गिरा कहाँ से था, ये गिरा था दोस्तों 22400 और उसके बाद ये वाला लेवल 22300 के आसपास से। तो उसके बाद ट्रेड कंटिन्यू होता गया और यहाँ पे जाके कहाँ पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग हुआ कल का कहाँ पे, 22,225 रुपीज़ के आसपास। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखो, मैंने जैसे बताया कि आपको कल का चार्ट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि कल जहाँ से डाउनसाइड मोमेंट शुरू हुई थी, मतलब 11:35 को जहाँ से यहाँ से, मतलब यहाँ पे जहाँ से रेड पहला कैंडल बना था इतना बड़ा वाला, तो वहीं से मार्केट पॉसिबिलिटी होती है, मोर देन 70% पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट अपने पुराने लेवल याद रखता है। क्योंकि जो सेल करते हैं ह्यूज अमाउंट में या बाय करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक या बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका अमाउंट मोर देन 50-60-70,000 रुपीज होता है, ना कि हमारे जैसा 1-2 लाख 5 लाख, ठीक है। तो मार्केट वो लेवल इसलिए याद रखता है कि ट्रेडर अगर उनके अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है तो उनको नुकसान बड़ा होगा, इसलिए वो फिर से अपना पैसा डाल के उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको लेके जाना है। देख सकते हो यहाँ पे जहाँ से कल गिरा था सेम उसी लेवल से खुलते ही अपना उसने डाउनसाइड दिखा दिया। मतलब अगर आपको याद होता कि कल यहाँ से मार्केट गिरा है, मतलब कहाँ से, 22,300 से, तो आप यहाँ पे अपना सेल साइड ट्रेड ले सकते थे सेफ जगह पे, और स्टॉप लॉस भी आपका 50 या 70 पॉइंट का रहता, और देख सकते हो रिवार्ड कितना मिला, मोर देन 150 पॉइंट, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कितना बन जाता, 1:2, 1:3। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको हर समय एनालिसिस करते रहना चाहिए। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको लेवल्स निकालना चाहिए, आपका जो भी एनालिसिस है उसको अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आके बैठ जाओ स्क्रीन के सामने और यहाँ आपको लगे कि ऊपर जा रहा है बाय कर लो, नीचे जा रहा है सेल करो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, मैं कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। जब शुरुआती के दिन में बिगिनर था तो इंडिकेटर यूज़ करता था, लेकिन इंडिकेटर में भी आपको पता होगा ऐसे कि दो टाइप होते हैं, एक लीडिंग होता है और लैगिंग होता है। मतलब इंडिकेटर हमेशा ट्रेड होने के बाद, मतलब प्रोग्रेस होने के बाद आपको इंडिकेशन देगा बाय करना है या सेल करना है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तब आपको बता देगा कि बाय करना है,
मतलब लेट आपको इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कौन से भी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। और अभी ट्रेंड चल रहा है कि टिप्स वगैरह प्रोवाइड करना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कौन से भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं खाली नॉलेज देता हूँ और मेरे कुछ कोर्सेज है, मैं टिप्स नहीं देता हूँ। तो आपको भी टिप्स के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है, अगर टिप्स देने वाला इतना एक्यूरेट होता तो खुद का लाखों करोड़ों क्यों नहीं बनाता आपको बताने से अच्छा। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैंने बताया आपको, एक हिंट दी कि कल जहाँ से गिरा था मार्केट वहीं से आज गिरा। और देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से दो ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ से दो ग्रीन, तो वहीं पे आने के बाद फिर से एक बार मार्केट को याद आएगा कि हमें यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन सेलर का प्रेशर ज़्यादा था इसलिए मार्केट नीचे गिरा। फिर से देखो इसी रेंज से ऊपर जा रहा है, देख सकते हो इसी रेंज से ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक्स के बारे में भी सही होता है, सेम होता है, आपको खाली उसके लेवल्स याद रखना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, कैंडल का मतलब जानना चाहिए, तभी आप ट्रेडर बन सकोगे। ऐसा नहीं कि पैसा होने से ट्रेडिंग नहीं होता है दोस्तों। तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए, और जब भी आपका ट्रेड दिखे, सेटअप दिखे, तब भी आपको एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।